And say what you want, but I'm not okay with my brain anymore. I'm not okay with the way that it comes. Hardship is fortune, so maybe before. Just waiting for ferry. When the ferry come, we will go to Vaipan Beach. That is nearby. There is it's around 4 kilometers from the Fort Kochi. For playing and for sunrise, I don't know we're gonna see sunrise because it's too late. We missed that. Now we have some other activities like volleyball, frisbee. We will do this. खेल पूरे 5 मिनट में खत्म हो गया है। बॉल वहां चली गई, दीदी ने मारा बहुत तेज, बहुत तेज, फुल पावर आएगी। अब आएगी, अब तो घंटा नहीं आएगी। से बाय टू हर, बाय बाय टू द वॉलीबॉल। फ्रिस्बी ले आओ, फ्रिस्बी फेंकेंगे अब। सब ऐसे देख रहे हैं, बहुत ही इमोशनल मोमेंट चल रहा है। उनका उनका बच्चा खो गया पानी में। क्या हो गया? बच्चा खो गया। बच्चा नहीं रुकेगा अब लहरों से, अब बहता जाएगा। ओनली वन गेम एंड बॉल लॉस्ट इन टू द वॉटर। लुक, आ रही है, आ रही है, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। कम ऑन, कम ऑन, फास्ट। अरे इतना तो चला गया, चला ही जा। वापिस ना चली जाए भाई। गुड न्यूज आ गई है, बाकी का व्लॉग बाद में स्टार्ट करेंगे। इसमें वही कैमरा है जो कि गोवा में खत्म हो गया था, DJI। एक गिम्बल तो आ गया था, अब ये कैमरा भी आ गया। कि इसकी डिटेल अनबॉक्सिंग तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, अभी नॉर्मली बस ऐसे खोलते हैं और मजा आएगा यार। मेड फॉर आईफोन। दिस
ब्यूटिफुल पॉकेट कैमरा. So it's 279. The plan is this. Me and Ankit bhai are going to LEP. And I don't know कि वहाँ पे जाके क्या होगा, क्या हम बोट राइड कर पाएंगे, जो भी चीज़ें होगी. शिकारा बोट होती है वहाँ पे, हाउस बोट होती है, और जैसे भी जो चीज़ होती है. मैंने कभी सिर्फ सुना है, मैंने कभी देखा नहीं है. तो पहले चलते हैं और देखते हैं वहाँ के क्या सीन्स हैं, और जो भी होते हैं आज पता तो लग ही जाएगा. और गर्मी वैसे यहाँ पे अभी बहुत है, तो गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए अभी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम शाम तक वापस आ पाएंगे. और आज ही वापस आने का प्लान है. सो और आज सुबह से वैसे तो मैं एडिटिंग वगैरह में लगा हुआ था, ज़्यादा तो कुछ करा नहीं है. सो विद दिस आई एम ईशान, वेलकम टू माय लाइफ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई बी फिल्म्स. यहाँ से अभी 60 किलोमीटर, जो कि 1.15 आवर का रास्ता. और यहाँ का टेम्परेचर अभी है 30 डिग्री. यहाँ के हाईवे ऐसे हैं कि बिल्कुल ही सिंगल लेन ये हाईवे हैं. देखो कैसे, मतलब कि और यहाँ पे कुछ है ही नहीं. जैसे अपने वहाँ पे लोकल रोड होते हैं उस तरह के, तो यहाँ पे हाईवे हैं. पिछले 22 किलोमीटर से ऐसे चल रहा है. ये पूरी फिशिंग नेट्स है, जो कि चाइनीज़ फिशिंग नेट्स फिशिंग करते हैं, और ये दूसरी स्टेट में सप्लाई कर देते हैं, या खुद खा जाते हैं, या यहाँ पे बेच देते हैं. यही काम है इनका, यही प्रोफेशन है. सामने है पूरा अरेबियन सी, और बिल्कुल आज हम कोस्टल लाइन पे चल रहे हैं अरेबियन सी के जस्ट साइड में. अब तक धूप का ना पूरा अच्छे से एहसास नहीं हुआ है कि कितनी धूप है, क्योंकि पेड़ ही इतने हैं, कभी केले के, कभी नारियल के, कभी कुछ. पूरी ग्रीनरी में पूरी छाए, और लोगों के घर हैं इस हाईवे पे. सही है भाई, ट्रिवेंड्रम भी यहीं से जाना है. सही में लग ही नहीं रहा कि हम एल पी जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हम अपने ही आस पास कोची में ही घूम रहे हैं. अभी तक तो हाईवे का एहसास भी नहीं हुआ. और अराउंड अराउंड 35 किलोमीटर आ चुके हम. यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे चर्च, सेम एज गोवा, बिकॉज ऑफ द पोर्टुगीज. ये वाला चर्च कितना सुंदर लग रहा है. ऐसे रास्ते में बहुत सारे ब्रिज आए, और नीचे से ऐसा ये बैक वाटर. पे बैक वाटर की कोई कमी नहीं है, और यही फ्लड का भी रीज़न है. सो इट्स नॉट अ कंडीशन फॉर बोटिंग. अभी पता नहीं यार कि बोटिंग कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब बारिश का मौसम होना शुरू हो गया. और वहाँ पे अभी रास्ते में एक भैया से हमने सजेशन ली थी, तो वो तो सजेस्ट कर रहे थे कि अभी इस मौसम में ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है. पता नहीं अब क्या होगा, इतनी दूर तो आ गए हैं, और बारिश, और मेरे सारे कैमराज भी हैं, वो भी सारे कवर करने पड़ेंगे किसी न किसी पॉली बैग में. अभी एक शिकारा बोट वाले से बात भी करी है, और उसने मना कर दिया, कह रहा है कि आज का टाइम ख़त्म हो चुका है, वेदर कंडीशन भी थोड़ी सी ख़राब है. और अभी तो 3:40 हुए हैं, वैसे तो 5 PM तक का टाइम होता है, बट वो मना कर रहे हैं. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एलपी में आपका स्वागत है. दिस इज द एलपी बोटिंग. अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि हम अभी जा रहे हैं यहाँ पे बोटिंग करने, और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बारिश के पूरे पूरे चांस है, और होने भी वाली है, और बहुत तेज़. आज तो सीन ख़राब होने वाले हैं. तो फिलहाल अभी बोटिंग करने जा रहे हैं. यहाँ से हमने शिकारा बोट ली है, और अराउंड 2-2.5 घंटे की वो बोटिंग होगी, और 4:26 हो गए हैं अभी. क्या तो जल्दी से चल लो फिर, इससे पहले कि बारिश हो जाए. ये जो आप देख पा रहे हो, ये सबसे बड़ा लेक है, जो बिल्कुल ही ओशियन की तरह दिख रहा है. क्या सर, अरेबियन सी कितनी दूर है? बादल देखो पीछे, क्या खतरनाक हो रहे हैं ऐसे बादल. अभी तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ. बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका है यहाँ पे, और बहुत सुंदर लग रहा है लिटरली. अभी भैया बिल्कुल काला लुक ले रहे हैं, लुंगी वगैरह पहन के, शर्ट वर्ट सब कुछ. बारिश हो गई है बहुत तेज स्टार्ट.
कल आते हुए रास्ते में जो मुश्किल हुई है वो तो यार सिर्फ मैं ही जानता हूँ, बहुत बुरा हाल हो गया। बारिश तो पूरे रास्ते नहीं रुकी और रास्ते में कहीं पर रोड टूटे हुए थे और सारे लोग यहाँ पे हाई बीम पे आ रहे हैं, कोई मतलब कि कोई लो बीम पे आने को तैयार नहीं है। इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कल वहाँ पे, पूरा गीला होते हुए मैं बहुत मुश्किलों से, आज तक का मेरा सब मतलब कि सबसे मुश्किल दिन था कि मेरे को होटल में पहुँचना था, बड़ी मुश्किलों से पहुँचा हूँ। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इसको और लंबा नहीं करते, आपको एलपी का बैक वाटर अच्छा लगा। वहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, बट जितना कर पाया तो हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन टू हिट द लाइक बटन, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको दबा के। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे, बाय बाय।